हेलो एवरीवन, आज जो है एमटीएस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सेट नंबर 30 को एनालिसिस करेंगे। इसके पहले हमने 29 सेट बता दिए हैं, आपको प्लेलिस्ट में सारा वीडियो मिल जाएगा। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन है एरर का, क्वेश्चन देख रहे हैं, यहाँ क्वेश्चन है एरर का। ठीक है, क्वेश्चन दिया है, देखिए क्वेश्चन है वी कैंसिल्ड आवर ट्रिप लास्ट वीक एज द कार ब्रेक्स डाउन। तो यहाँ पर हम देखते हैं, यहाँ पर देखें, यहाँ पर हम देख रहे हैं ये लास्ट है। लास्ट का प्रयोग पास्ट इंडिफिनिट टेंस में प्रयोग किया जाता है, लास्ट का प्रयोग, लास्ट वीक दिया है। तो देखिए ये तो पास्ट है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर देखिए ये ब्रेक्स दिया है, यहाँ V1 V5 दिया, यहाँ पर V2 होगा। ठीक है, यही गलती है, यही गलती है। ठीक है, यहाँ ब्रोक होगा, यहाँ पर जो होगा ब्रोक, यही गलती है। तो इसमें जो गलती है, ये पहला वाक में गलती है ये ब्रेक्स नहीं होगा, यहाँ पर ब्रोक होगा। ठीक है, ब्रोक होगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। देखिए दूसरा क्वेश्चन है इम्प्रूवमेंट का, ये क्वेश्चन है इम्प्रूवमेंट का। तो क्वेश्चन दिया है पहला, देखिए ये क्वेश्चन दिया है माय असिस्टेंट विल सी यू इन द मीटिंग नेक्स्ट वीक। देखिए यहीं पर है, देखिए इसमें जो होता है प्रीपोजिशन या इन नहीं होगा, यहाँ पर एट होगा, ये पहला गलती है। और मीट्स नहीं होगा, यहाँ पर मीटिंग होगा। ठीक है, मीट, यह मीट्स गलती है, यहाँ पर मीटिंग होगा। ठीक है, यहाँ पर जो होगा ये, यहाँ इसके देखिए इसके जगह पर एट होगा, इनके जगह पर एट होगा, इनके जगह पर होगा एट होगा, ये पहला गलती है। दूसरा एस नहीं होगा, इसमें आईएनजी लगेगा। ठीक है, तो गलती सही जो हो जाएगा एट दी मीटिंग, ये होना चाहिए था। तो 2 का 1 नंबर आंसर हो गया। तीसरा क्वेश्चन है, देखिए यहाँ आईडीएम का क्वेश्चन है, यहाँ पर देखिए आईडीएम का ये क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन दिया है फेस दी म्यूजिक, फेस दी म्यूजिक। ठीक है, इसका अर्थ होता है किए का परिणाम भुगतना। ठीक है, किए का परिणाम, ठीक है, परिणाम भुगतना। ठीक, किए का परिणाम भुगतना, तो ये हो जाएगा इसका आंसर 2 नंबर है, टू एक्सेप्ट कंसीक्वेंसेस, इसका 2 नंबर आंसर हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन यहाँ पर देख रहे हैं, क्वेश्चन जो है क्वेश्चन ये है एरर का, क्वेश्चन है एरर का। चलिए क्वेश्चन थोड़ा ऊपर करते हैं, दिया है क्वेश्चन देखिए थंडर टर्म्स डिलोप इन हॉट ह्यूमिड ट्रॉपिकल एरियाज लाइक इंडिया मच टू फ्रीक्वेंटली। ठीक है, फ्रीक्वेंटली देखिए गलती यहाँ पर ये है, देखिए फ्रीक्वेंटली एडवर्ब है, एडवर्ब है, मच भी एडवर्ब है। ठीक है, मच भी एडवर्ब है, यहाँ पर टू नहीं होगा, ये TOO वाला होगा, ये भी एडवर्ब हो जाएगा, तो TOO के जगह पर TOO होगा। ठीक है, तो यहीं पर ये गलती है, दूसरा सवाल में यहाँ पर E2 नहीं होगा, TOO होगा। चलिए पांचवा क्वेश्चन दिया है, देखिए पांचवा क्वेश्चन दिया है वन वर्ड्स का, दिया है इमोरल और लीगल ओब्लिगेशंस। ठीक है, यानी कर्तव्य फर्ज, जो कर्तव्य होता है फर्ज होता है, इमोरल और लीगल ऑब्लीगेशन, जो कर्तव्य होता है फर्ज होता है उसको क्या बोलते हैं, उसको हम ड्यूटी बोलते हैं। तो 5 का 2 नंबर आंसर हो गया ड्यूटी। छठा सवाल देखिए बैलेंस का क्वेश्चन है,
देखिए यहाँ बैलेंस का है, यदि कोर्ट हैज एब्जॉल्व हिम डैश ऑल, ठीक है यहाँ दिया है डैश ऑल चार्ज लेविल्ड अगेंस्ट हिम। देखिए यहाँ पर, यहाँ यहाँ पर देखना है एब्जॉल्व, ठीक है एब्जॉल्व इसका प्रोविजन पाप अपराध होता है, इसका होता है पाप, इसका होता है पाप अपराध, ये इसका अर्थ होता है। इसके साथ प्रयोग होगा ऑफ का प्रयोग होगा, ठीक है ऑफ एब्जॉल्व के साथ ऑफ यहाँ लगेगा तो यहाँ पर ऑफ हो जाएगा, इसका चौथा आंसर हो गया। चलिए सातवां क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यहाँ क्वेश्चन है इम्प्रूवमेंट का, देखिए इम्प्रूवमेंट का क्वेश्चन है। देखिए यहाँ दिया है प्लीज फील, देखिए अवे, देखिए फील के साथ अवे नहीं आता है, ठीक है तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर ये देखना है फील के साथ जो प्रयोग होता है यहाँ अवे नहीं होता है, फील ये फील जो है इसके साथ आउट का प्रयोग होता है, आउट ठीक है फील आउट, ठीक है फील आउट ये हो जाएगा तो इसका आंसर जो हो जाएगा ए नंबर हो गया आंसर आउट। चलिए आठवां नंबर क्वेश्चन है, क्वेश्चन देख रहे हैं, क्वेश्चन है एरर का, यदि प्राइम मिनिस्टर सेड डैट एवरीवन मस्ट कीप देयर, देखिए यहीं पर गलती है, यहाँ पर देखना है कि यहाँ पर देखिए एवरीवन है तो यहाँ पर एवरीवन के लिए यहाँ पर देयर नहीं होगा, यहाँ पर होगा हिज होगा, हिज या हर दोनों कोई दे सकते हैं, ठीक है लेकिन यहाँ पर देयर नहीं हो, यही गलती है। तो गलती कौन सा पार्ट में है, गलती जो है पहला पार्ट में है, यहाँ पर देयर गलती है, यहाँ पर हिज दे दीजिए, हिज लिखिए या तो हर लिखिए, दोनों सही है ठीक। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, नवा नंबर, देखिए दे आर इनकरेक्ट स्पेलिंग, यानी यहाँ पर देखना है इनकरेक्ट यानी कि गलती वर्ड कौन सा है, तो पहला देखिए पहला जो है वल्नरेबल, पहला वल्नरेबल ये वर्ड जो है ये सही वर्ड है, फिर दिया है यूफोरिक, यूफोरिक ठीक है यूफोरिक दिया है, जश्न खुशी से ये भी सही है। अब देखिए तीसरा क्वेश्चन जो दिया है, देखिए तीसरा क्वेश्चन ये गलती है वी आई एस ई, वी एस ई देखिए वी आई एस यहाँ ई नहीं होगा, यहाँ पर सी होगा, यही गलती है ठीक है। तीसरा वर्ड देखिए इसका वर्ड होता है वी आई एस सी ई आर ए एल, इसका ये वर्ड होता है, यही गलती है ठीक है, यहाँ ई के पहले सी होगा तो गलती वर्ड हमको बोला था, इनकरेक्ट स्पेलिंग बोल रहा था, यही आंसर हो गया ठीक है, इसका तीसरा हो गया। और ये भी वर्ड सही है ठीक है, ये भी ये सही है, ये सही है और ये भी सही है, इसमें गलती वर्ड कौन सा हो गया, गलती जो वर्ड है लिखा है ये तीसरा। चलिए दसवां नंबर सवाल देखिए, दसवां दिया है ये क्वेश्चन इम्प्रूवमेंट का क्वेश्चन है, यहाँ पर देख रहे हैं इम्प्रूवमेंट का क्वेश्चन है, चलिए इसको सही करना है, दिया है यहाँ देखिए दी हिमालयाज इज दी हाईएस्ट एंड वन ऑफ दी मोर, देखिए गलती तो मिल गया, देखिए यहाँ पर देखिए एंड है तो एंड के बाद और पहले सिमिलर वर्ड आता है, यहाँ पर लिखा है हाईएस्ट लिखा है सुपरलेटिव डिग्री है तो यहाँ पर मोर कैसे होगा, यहाँ पर क्या होगा मोस्ट होगा, एंड के बाद और एंड के पहले दोनों सुपरलेटिव डिग्री होता है ठीक है, तो यहाँ पर जो लिखा है सुपरलेटिव तो यहाँ पर भी होगा मोस्ट, मोर को मोस्ट कर देंगे तब ये सही हो जाएगा। तो ये जो हो जाएगा इसमें जो हो जाएगा ये तीन नंबर हो जाएगा सही, वन ऑफ द मोस्ट ये होगा इसके जगह वन ऑफ द मोस्ट, दस का तीन नंबर आंसर हो गया। चलिए ग्यारहवें क्वेश्चन की ओर चलते हैं, देखिए ग्यारहवें क्वेश्चन दिया है एंटोनिम दिया है अनुंटा सब, लिखा है ड्यूबियस, ड्यूबियस इसका मतलब होता है अनिश्चित ठीक है, इसका जो मतलब होता है अनिश्चित, अनिश्चित इसका मतलब होता है, तो
तो उनटा क्या हो जाएगा, निश्चित हो जाएगा, और निश्चित उनटा क्या होगा, निश्चित। तो इसका जो होता है चार नंबर हो जाएगा इसका आंसर, इसका अर्थ होता है निश्चित। ठीक है, अनिश्चित का उल्टा क्या हो गया, अनिश्चित का निश्चित, तो इसका चार नंबर उल्टा शब्द होगा, यानी एंटोनिम हो गया। चलिए बारहवां सवाल पर देखिए, बारहवां सवाल में फिर बैलेंस का क्वेश्चन दिया है, बहुत आसान क्वेश्चन है। दे वेयर गेटिंग क्लोजर डैश गोल। देखिए यहाँ पर सब में क्या पॉजिटिव देना है, तो यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन में दे के लिए कौन सा होता है, दे का देर होता है, तो ये देर हो जाएगा, इसका हो गया आंसर जो हो गया 12 का ए नंबर होगा देयर। ठीक है, देखिए क्वेश्चन दिया है एंटोनिम का, अभी ये एंटोनिम का क्वेश्चन दिया है, यह एनकैरेज। ठीक है, क्वेश्चन दे दिया है एनकैरेज, ये होता है हिम्मत बढ़ाना, प्रोत्साहित करना। ठीक है, ये होता है हिम्मत बढ़ाना। ठीक है, हिम्मत हिम्मत बढ़ाना या प्रोत्साहित करना, तो इसका जो उल्टा हो जाएगा, ठीक है, निराश करना हो जाएगा, तो इसका होता है ये हो जाएगा तीसरा आंसर हो जाएगा फ्रस्ट्रेट। फ्रस्ट्रेट मतलब होता है निराश करना, ये उसका उल्टा शब्द होगा, यानी इसका एंटोनिम हो गया। चलिए करेक्ट स्पेलिंग ढूंढना है, इसमें सही वर्ड कौन सा है, देखिए यहाँ दिया है करेक्ट स्पेल्ड कौन सा है, तो करेक्ट स्पेलिंग देखना है। देखिए देखिए पहला जो वर्ड है ई एक्स, देखिए यहाँ गलती है, ई एक्स यहाँ ई नहीं होगा, ई के जगह पर ए होगा, ये गलत वर्ड है, इसका अर्थ होता है खुदाई। ठीक है, ई एक्स सी ए दे देंगे तो वी टी आई ओ एन, सिर्फ एक वर्ड यहाँ गलती है। ठीक है, यहाँ ई नहीं होगा, यहाँ पर ए होगा, इसका अर्थ हो जाएगा खुदाई। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या होगा, ए होगा, इसका अर्थ हो जाएगा खुदाई। ठीक है, खुदाई होता है। दूसरा होता है देखिए एविडेंस, ई वी आई वी आई डी ई एन, यहाँ एस नहीं होगा, यहाँ पर सी होगा, ई भी गलती वर्ड है। ठीक है, अगला दिया है कोर्ट यार्ड, देखिए सी ओ आर टी, सी ओ आर टी वाई ए, ठीक है आर डी, देखिए यहाँ गलती है, सी ओ यू आर होगा, यहाँ पर देखिए यहाँ पर जो वर्ड होगा सी ओ यू आर, यहाँ ओ के बाद यहाँ ई होगा, ये भी वर्ड गलती है, कोर्ट यार्ड में आगन होता है, तो चौथा वर्ड सही है। ठीक है, इसमें हम देख रहे हैं, देखिए इसमें जो है वर्ड जो है चौथा वर्ड सही है। ठीक है, ये है स्पर्स्ड, नेता अगुवाई करने वाला, नेता अगुवाई करने वाला, ये हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन है, चलिए पंद्रह नंबर क्वेश्चन देखते हैं। देखिए दिया है क्वेश्चन, एक क्वेश्चन जो दिया है सोनिनिम का क्वेश्चन, देखिए यहाँ क्वेश्चन दिया है सोनिनिम का। ठीक है, देखिए यानी समान अर्थ वाला दिया है क्वेश्चन। ठीक है, समान अर्थ ये क्वेश्चन दिया है। क्रिटिसाइज, क्रिटिसाइज दिया है क्वेश्चन, देखिए क्रिटिसाइज का मतलब होता है, देखिए इसका जो अर्थ होता है आलोचना, आलोचना। ठीक है, इसका अर्थ होता है आलोचना, यानी निंदा, आलोचना निंदा करना, इसका ये अर्थ होता है निंदा करना। ठीक है, हमको वर्ड देना है क्या का, तो ये हो जाएगा, ये चार नंबर हो जाएगा कंडेम्न, ये भी होता है निंदा करना, निंदा करना, इसका भी अर्थ होता है निंदा करना, करना, ये इसका सोनिनिम हो गया, तो पंद्रह का चार नंबर आंसर हो गया। चलिए अगला जो दिया है, देखिए क्वेश्चन जो दिया है, देखिए अंडरलाइन भाग में गलती देखना, अंडरलाइन भाग है, देखिए इसमें फ्रेज दे दिया है। ठीक है, आइडियम मतलब आइडियम दे दिया है, तो क्वेश्चन तरी ऊपर कर लेते हैं। देखिए क्वेश्चन दे दिया है इन ए सरकास्टिक मैनर डैट नो बडी
काट, ठीक है, कैट। इसके लिए जो आएगा ये हो जाएगा, ठीक है, देखिए इसके लिए जो होगा, देखिए इन दी सरकास्टिक मैनर डाइट नोबडी कार्ड, इसका ये दो नंबर होगा, टू पुट ए रोज ऑन दी नोज, ये इसका हो जाएगा, ठीक है, इसका दो नंबर आंसर हो गया, इसका ये फ्रेज का था। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन दिया है, ये क्वेश्चन दिया है, देख रहे हैं क्वेश्चन जो दिया है सुनिनिंग का, यानी समान अर्थ वाला दिया है, रिब्यूक, ठीक है, रिब्यू को मतलब क्या होता है, डांटना, ठीक है, रिब्यू का मतलब होता है, रिब्यूक का मतलब होता है डांटना, ठीक है, डांटना होता है, तो इसके लिए कौन सा होगा, स्कोल्ड, स्कोल्ड हो जाएगा सुनिन, इसका भी अर्थ होता है डांटना, ठीक है, तो इसका जो होगा 17 का चार नंबर आंसर हो गया। चलिए 18 क्वेश्चन की ओर चलते हैं, 18 क्वेश्चन देखिए बैलेंस का क्वेश्चन दिया है, देखिए क्वेश्चन दिया है बैलेंस का, आई नॉक्ड एट द डोर बट गॉट नो डैश, देखिए ये जो होता है, ये क्वेश्चन जो होता है इसमें देखिए गॉट नो रेस्पॉन्स, ठीक है, यहाँ पर देखिए ये होता है गॉट नो रेस्पॉन्स, यानी कोई जवाब नहीं पाया या मिला, गॉट नो रेस्पॉन्स, तो इतना हो जाएगा, इतना पूरे का अर्थ होता है गॉट नो, ये चौथा भर देंगे रेस्पॉन्स, इसका मतलब हुआ कोई जवाब नहीं पाया, तो इसका चार नंबर आंसर हो गया। चलिए 19वां क्वेश्चन देखते हैं, ये इम्प्रूवमेंट का क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पर जो दिया है क्वेश्चन ये इम्प्रूवमेंट का है, क्वेश्चन दिया है, चलिए प्लीज क्लीन योर रूम फर्स्ट एंड देन मीट, देखिए यहीं पर गलती है, यहाँ पर देखिए, देखिए गलती दो वर्ड है, यहाँ दो गलती है, देखिए यहाँ पर जो है, यहाँ पर तब के अर्थ में यहाँ देन टी एच ई एन देन होगा, टी एच ए एन नहीं होगा, टी एच ई एन होगा, एक गलती है, यहाँ आई न होगा, यहाँ पर ऑब्जेक्टिव कोर्स होगा, मी होगा, तो भर के बाद ऑब्जेक्ट होता है, दो गलती है, तो इसका जो सही हो जाएगा ये वर्ड हो जाएगा, चौथा हो गया एंड देन मीट मी, ये हो गया। चलिए 20वां क्वेश्चन देखते हैं, वन वर्ड्स का है, यानी ओ डब्ल्यू एस का क्वेश्चन है, ये है दिया है, देखिए रूल्स दिया, रूल्स गवर्नमेंट सोशली एक्सेप्टेबल बिहेवियर, ठीक है, जो मतलब जो व्यक्ति मतलब कि आज्ञा का पालन करे, यानी जो शिष्टाचार हो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम जो बोलते हैं उसको हम एटिकेट बोलते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, एटिकेट, एटिकेट शिष्टाचार, तो 20 का ये चार नंबर आंसर हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन है, चलिए ये अगला क्वेश्चन पैसे का ये क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पर आराम से पढ़ना है, जहाँ बैलेंस है क्वेश्चन वहाँ पर सिर्फ ध्यान दीजिए, देखिए यहाँ क्या दिया है, गो, गो के बाद क्या आता है, टू लगता है, टी ओ टू लगता है, टू टू का कोई वर्ड आएगा, टू लगता है, तो यहाँ पर देखते हैं, देखिए यहाँ पर टू तो वर्ड नहीं है लेकिन टू आर्ट्स हैं, ठीक है, टू आर्ट्स हैं, तो ये आंसर हो जाएगा, यहाँ पर टू रहता तो और बेस्ट होता, अपना अच्छा होता, ठीक है, यहाँ पर टू आर्ट्स, यानी कि टू वाला गो के बाद टू वाला ही कोई वर्ड होगा, तो टू तो किसी में नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें नहीं है, ये इसमें नहीं है, इसमें टू लगा इसमें है, तो ये ठीक है, इसमें टू लगा है तो पहला वाला आंसर हो गया। चलिए अब 24 में देखते हैं, सॉरी 22 में देखते हैं, देखिए 22 में तो बहुत हल्का है, देखिए गो फुट, गो ऑन फुट ही होता ही है, गो ऑन फुट पैदल ये होता ही है, इसमें कोई देखना नहीं है, ठीक है, गो ऑन फुट, तो बास का जो हो जाएगा यहाँ पर ऑन हो जाएगा, बास का गो ऑन फुट ही होता है, पैदल जाना, ठीक, गो ऑन फुट, तो बहुत ही आसान प्रोसेस था, ठीक है। अब देखिए अगला दिया है तय समय में, वेयर डैश फ्लेट, ठीक है, देखिए वेयर डैश फ्लेस्ट फ्लेट ऑन दी वे, ठीक है, देखिए यहाँ अधिकतर का कोई वर्ड आएगा, अधिकतर के लिए कोई वर्ड आएगा, यहाँ पर जो हो जाएगा
मोस्टली हो जाएगा, ठीक है, मोस्टली अधिकतर। चलिए अब देखिए 24 नंबर देखते हैं। देखिए ही डैश ए स्वीट शॉप एंड रेस्टेड। देखिए रेस्टेड पास्ट टेंस में है, यहाँ पास्ट टेंस में यानी मिला कथन में, मैंने मिला शॉप, ठीक है, शॉप में कुछ मिला वहाँ, स्वीट मिला कर्थ में आएगा। तो यहाँ जो हो जाएगा मिला, मिलना मिलना क्या होता है, फाइंड, इसका भी टू क्या होगा, फाउंड, ठीक है, फाउंड होगा। तो फाउंड जो दिया है ये चौथा नंबर दिया है फाउंड। पास्ट में होता, देखिए ये नहीं होगा, पास्ट में है, ये नहीं होगा, ये भी नहीं होता है, तो फाइंड का फाउंड होगा चौथा, ये आंसर हो गया। देखिए अगला क्वेश्चन है, देखिए एंड देन अगेन, अगेन में क्या होता है, दोबारा, डैश हिज जर्नी, मतलब दोबारा जर्नी पर आने की जाने के लिए, दोबारा जर्नी अगेन, दोबारा जाने के लिए उसको हम क्या बोलते हैं, रिसम बोलते हैं, यानी फिर से रिसम। तो इसके लिए जो वर्ड आ जाएगा ये हो जाएगा तीन नंबर, इसका आंसर हो गया रिसम, यानी दोबारा अपनी यात्रा शुरू की या दोबारा प्रारंभ किया, ये रिसम हो जाएगा। चलिए यहाँ पर समाप्त हुआ वीडियो, ठीक है। अब देखिए अगले वीडियो में सेट नंबर 31 को लेकर आएंगे। चलिए अब अगले वीडियो मिलेंगे फिर, तब तक के लिए नमस्कार।